हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं सलवार के पोछे पर एक डिजाइन बनाऊंगी। ये वाला डिजाइन मैं ये लेस लगाकर बनाऊंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, वीडियो का आप पूरा देखना। आप आसानी से ये डिजाइन आप अपनी किसी भी सलवार के पोछे पर बना सकते हो। तो चलो हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी सलवार की कलियों को जोड़ लेंगे। मैंने दोनों कलियों को आपस में जोड़ लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। पर मैंने सलवार की जो बॉटम रखी है वो 8.5 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हो। इसमें आगे 4 इंच का डिजाइन आएगा, तो मैंने इसको पहले से ही 4 इंच छोटा करके कट किया है। अब मैंने यहाँ पर कपड़े की 2 पट्टियाँ ली हैं, ये मेरे सूट से मैचिंग की है। और यहाँ पर मैंने एक डोरी ली है, पाइपिंग डोरी है ये। इन पट्टियों की जो लंबाई है वो हम अपनी सलवार की बॉटम के बराबर रखेंगे। ये मैंने इनको फोल्ड कर लिया है और जो एक्स्ट्रा है मैं उसको कट कर दूंगी। इनकी लंबाई सलवार की बॉटम के बराबर रहेगी। और जो इनकी चौड़ाई मैंने रखी है वो 1.5 इंच, 1.5 इंच रखी है। अब हम ये पाइपिंग डोरी लेंगे, पट्टी को खोल कर रख लेंगे और डोरी को पट्टी के बीच में रखेंगे। और पट्टी को बीच से फोल्ड करते हुए यहाँ से हम सिलाई लगाकर ये डोरी वाली पाइपिंग बना लेंगे। दोनों कपड़े की पट्टी से हम ये डोरी वाली पाइपिंग बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मशीन में पाइपिंग फुट अटैच कर लिया है, आप देख सकते हो। डोरी को कपड़े के सेंटर में रखते हुए कपड़े को फोल्ड करेंगे और ये हम सिलाई लगा लेंगे, जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। दोनों डोरी वाली पाइपिंग को बनाकर मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब हम अपनी सलवार लेंगे, ये सलवार की बॉटम है हमारी, यहाँ पर हम ये डिजाइन बनाएंगे। सलवार को हम ओपन करके रख लेंगे। मैंने सलवार को ओपन रख लिया है, ये सलवार की सीधी वाली साइड है। अब हमने जो डोरी वाली पाइपिंग बनाकर तैयार की थी उसका एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे, सिलाई का मार्जिन रखेंगे और बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम इसमें से कट कर लेंगे। अब हम इसे सलवार के ऊपर रखेंगे, ये हमारी सलवार की बॉटम है, इसके ऊपर हमने इसे रख लिया है, आप देख सकते हो। और अब हम इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। जो हमने ये सिलाई लगा रखी है इसी के ऊपर से हमारी ये सिलाई आएगी, जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने पाइपिंग फुट को ही अटैच करके रखा है और जो मैंने सिलाई लगा रखी है उसी के ऊपर से मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। अब हमारा जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम अंदर की तरफ पलट देंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, कपड़े को मैंने अंदर की तरफ पलट दिया है। अब हम अपनी वो लेस लेंगे जो हमें यहाँ पर लगानी है। लेस को हम पाइपिंग के नीचे रखेंगे, जो हमने ब्लू कलर की पाइपिंग निकाली है उसके नीचे मैंने रख लिया है लेस को। और ये हम ऊपर से सिलाई लगा देंगे, पाइपिंग के किनारे से हम ये सिलाई लगाएंगे। यहाँ हमारी लेस अटैच हो गई है। अब हम बुकरम लेंगे, ये मैंने बुकरम ली है। यहाँ पर मैंने बुकरम की चौड़ाई 3 इंच रखी है, आप ये कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जितनी चौड़ाई का आपने को पोहचा बनाना है। ये मैंने एक कपड़े की वाइट पट्टी ली है, पट्टी के ऊपर हम बुकरम को रखेंगे और एक साइड से फोल्ड करते हुए ये सिलाई लगा देंगे।
दोनों साइड से हम कपड़े की पट्टी को हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे जो कि हमारी सिलाई में चली जाएगी। यहाँ पर हमने जो बुकरम की पट्टी ली है उसकी लंबाई हम अपने सलवार की बॉटम के बराबर रखेंगे। जितनी हमारी सलवार की बॉटम है उतनी हम ये बुकरम की पट्टी की लंबाई रखेंगे। बुकरम के साथ मैंने वाइट पट्टी को अटैच कर लिया है। मैंने इस सलवार वाला कपड़ा लिया है जो जिससे मैंने सलवार बनाई है वो लेंगे और बुकरम की जो पट्टी हमने बनाई है कपड़े के साथ उसको रखेंगे। दोनों की सीधी साइड को आपस में मिलाएंगे और ये हम सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई हम बुकरम के ऊपर से न लगाकर बुकरम की साइड से लगाएंगे। ये हमें सीधी सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको सीधी तरफ पलट लेंगे। ये देख लिए मैंने इसको सीधा कर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और अब हम ये किनारे वाली सिलाई लगाएंगे जैसे कि हम नॉर्मल पोचा बनाते हैं अपना सलवार पर, उसी तरीके से मैं आपको ये बता रही हूँ। ये किनारे से अब हम ये सिलाई लगा लेंगे। ये किनारी वाली सिलाई हमने लगा ली है। अब दूसरी साइड से भी हम इसको सिलाई लगाकर बंद कर लेंगे। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए मैं इस पूरे पोचे पर सीधी सिलाई लगाऊंगी। ये मैं इस पर सीधी सिलाई लगाऊंगी क्योंकि अगर इस पर कोई मैं डिजाइन बनाऊंगी पोचे पर सिलाई के साथ तो हमारा दिखेगा नहीं क्योंकि हमारे कपड़े में कढ़ाई है। तो मैं ये सीधी सिलाई एक पैर का मार्जिन रखते हुए ये सीधी सिलाइयाँ लगा लूँगी इसके ऊपर, तो ये हमारा पोचा बनकर तैयार हो जाएगा। पूरे पोचे पर मैंने सीधी सिलाइयाँ लगा ली है। अब मैं ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर रही हूँ। मैं इसमें मार्जिन सिलाई मार्जिन के लिए मैंने इसमें कपड़ा रख लिया हाफ इंच के करीब और बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा था इस पट्टी का वो मैंने कट करके यहाँ पर निकाल दिया है, आप देख सकते हो। अब मैंने जो दूसरी पाइपिंग बना कर रखी थी वो ली है। पोचे की सीधी साइड में मैंने पाइपिंग को रखा है और ये अब हम सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा पाइपिंग को हम यहाँ से कट कर लेंगे और ये सिलाई जो हमारी पाइपिंग के ऊपर से सिलाई दिखाई दे रही है उसी के ऊपर से अब हम ये सिलाई लगाएंगे। ये पाइपिंग हमारी हम अपने पोंचे पर अटैच कर लेंगे ये सिलाई लगाकर। ये सिलाई लगाकर हमने पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब हम ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और अपनी सलवार की बॉटम लेंगे जो हमने तैयार करके रखी है लेस और पाइपिंग लगाकर, उसके ऊपर रखेंगे हम इसे। ये देखिए लेस के किनारे पर मैंने रख लिया है और यहाँ हम पाइपिंग के किनारे से ये जो हमने ब्लू पाइपिंग लगाई है इसके किनारे से अब हम ये सिलाई लगाएंगे। ये लेस हमारी इसके साथ अटैच हो जाएगी। ये इस तरीके से लेस लगाकर हमने सलवार की बॉटम को तैयार कर लिया है। अब जो ये हमारा साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट करके निकाल देंगे और इसको फोल्ड करते हुए अब हम ये फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। ये 4 इंच का हमारी सलवार में आगे डिजाइन आ गया है। यहाँ पर मैं जो पोहचे की चौड़ाई है वो 6.5 इंच रखूँगी। ये 6.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। अब हम इस निशान को तिरछा मिला लेंगे और इस निशान के ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। फिटिंग वाली सिलाई लगाते टाइम यहाँ से हमें जो हमने ये पाइपिंग लगा रखी है इनको आपस में मिलाना है। एकदम आपस में मिलाएंगे तभी हमारा ये फिनिशिंग के साथ दिखाई देगा और फिर अब हम ये सिलाई लगाएंगे। इनको आपस में मिला कर रखेंगे और ये सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे।
फिटिंग वाली सिलाई हमने लगा ली है। जो अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके मैंने सलवार के पोचे को सीधा कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से कुछ लुक आया है हमारा, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये पीछे से कुछ इस तरीके से दिखेगा। दोनों पाइपिंग को मिलाकर हमने ये फिटिंग वाली सिलाई लगाई थी, तो पीछे से हमारी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। मेरी सलवार में जो कढ़ाई है वो टेढ़ी है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और जो मैंने पट्टी ली है पोचे पर वो मैंने सीधी रखी है उसमें कढ़ाई। तो इसी तरीके से अगर आपके में प्रिंट है या कढ़ाई है तो आप इसी तरीके से रखेंगे तो आपके पोचे का लुक और भी उभर कर आएगा, सुंदर लगेगा। इस तरह से मेरे सलवार के पोचे का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय।